23 मई को मतगणना के लिए हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बास स्कूल में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। सीसीटीवी कैमरों में मतगणना केंद्र को तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर ऋचा वर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सभी कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर पहुँचने के निर्देश जारी किए गए हैं। 23 मई को मतगणना के लिए हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। बकायदा मतगणना केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और सीसीटीवी कैमरों से मतगणना केंद्र को तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर ऋचा वर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सभी कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर ऋचा वर्मा ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट हमीरपुर पहुंच चुके हैं और हमीरपुर में ही 17 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट की गिनती भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मतगणना सेंटर के अंदर कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। कल यानी 23 मई को लोकसभा चुनावों की मतगणना होगी। हमारा जो काउंटिंग सेंटर है हमीरपुर जिला के लिए, जिसमें 5 असेंबली सेगमेंट्स की काउंटिंग होगी, वो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल हमीरपुर में है और मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसकी पूरी तैयारियां प्रशासन ने पूर्ण कर ली हैं। हमारे ECI से ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनकी निगरानी में ये पूरी काउंटिंग का प्रोसेस होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी अपॉइंट कर दिया है ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा कि वो भी इस प्रक्रिया को देखें। पूरे काउंटिंग हॉल में जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, उसमें पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। CCTV कैमरा, जिनकी 24 आवर बैकअप है, उनको उनसे पूरा का पूरा कैंपस कवर किया गया। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होंगे, लेकिन जो ETPBS यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, वहाँ पे जिस हॉल में काउंटिंग होगी उसमें, क्योंकि एक मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन होता है काउंटिंग सुपरवाइज़र का, उसमें OTP आते हैं, तो सिर्फ वो OTP लेने तक उनको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद उनको वहीं पे स्विच ऑफ करवा के रखवा दिया जाएगा। पूरी की पूरी 17 असेंबली सेगमेंट्स जो कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं, उनकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हमीरपुर जिला में ही होगी। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा के 528 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना बाल स्कूल परिसर में ही की जाएगी। मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट और ईवीएम की मतगणना का मिलान किया जाएगा। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतगणना केंद्र के समीप ही मीडिया सेंटर भी स्थापित किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।